हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंदोरी वाईटी पे। दोस्तों फाइनली रात के 2:30 बजे iOS के लिए वॉरजोन का जो सीजन 5 का रिलोडेड अपडेट है फाइनली आ चुका है। मैंने गेम को पूरी तरीके से अपडेट कर लिया है, सिंपली गेम को मैंने रिमूव कर दिया और रीइंस्टॉल किया है, क्योंकि जब भी कोई मेजर अपडेट आती है या बड़ी अपडेट आती है दोस्तों गेम को रीडाउनलोड जरूर करो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया मोड जो कि सीजन 5 रिलोडेड के साथ आया है, जिसका नाम है दोस्तों 8-bit TDM मोड। तो दोस्तों आज तो यही मोड हम लोग खेलने वाले हैं और इसी के साथ दोस्तों सीजन 5 रिलोडेड में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं लाइक बेस्ट ग्राफिक सेटिंग्स या फिर जो कुछ भी चेंजेस हैं जैसे कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, पूरा दोस्तों हम लोग कल की लाइव स्ट्रीम पे हम लोग इंजॉय करेंगे, गेम को खेलेंगे और फिर समझते हैं कि क्या कुछ ओवरव्यू रहता है इसका, क्या कुछ रिव्यू रहता है सीजन 5 रिलोडेड का। जहां तक है दोस्तों मैंने कुछ ट्रेनिंग मोड में कुछ गेम्स खेले, ओवरऑल मुझे दोस्तों जो गेम के ग्राफिक्स हैं या फिर जो कहें हम शार्पनेस है वो पहले के अपडेट से कुछ ज्यादा ही अच्छी नजर आ रही है। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों इस 8-bit TDM मोड में कैसी परफॉर्मेंस रहती है और ओवरऑल मेरे हिसाब से कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो हुआ है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग मोड में दोस्तों खेल के देखा है। अब देखते हैं दोस्तों इस 8-bit TDM मोड में किस तरीके से ये फन मोड है और कितनी अच्छे इसके ग्राफिक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से गेम में जाते हैं, आज का ये वीडियो एंजॉय करो, इसके बाद अलग अलग हम लोग वॉरजोन मोबाइल पे कंटेंट लेकर आएंगे और मेरे हिसाब से वॉरजोन मोबाइल धीरे धीरे कमबैक करना स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 8-bit TDM मोड में, तो कुछ इस तरीके से ये मोड देखने को मिलता है और इसमें यार जंप बहुत ज्यादा कर रहा है, आपका जंप का जो बटन है ना उसमें एडिशनल आपको जंप मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा इसमें आपको एबिलिटी भी देखने को मिल रही है गाइस, ओके एबिलिटी भी मिल रही है इसमें बीच बीच में, और क्या बात है, काफी स्मूथ लग रहा है, काफी ज्यादा स्मूथ 120 FPS चल रहा हूँ जैसे, और मुझे स्पीड भी मिल चुका है, स्पीड बूस्ट है मेरे पास, स्पीड बूस्ट और उसी के साथ में जंप बूस्ट। नो मुझे थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, बाकी ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, मुझे पहले के मुकाबले शार्प लग रहे ग्राफिक्स, मैंने मेरे एंड्रॉइड फोन में जब खेला था इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इनको ढूंढते, ये भी कुछ एबिलिटी होगी गाइस, योर बॉडी बिकम इनविजिबल, अच्छा मैं किसी को दिखूंगा नहीं गाइस, तो पकड़ पकड़ के मारते हैं, फिनिशर मारने की कोशिश करते हैं किसी, कुछ टाइम के लिए मेरी बॉडी इनविजिबल सी हो गई है। अच्छा चलो इनविजिबल बॉडी का हमने यूज किया, दो बंदों को मारा बड़े आराम से, ये काफी फन मोड होने वाला है और इसमें जो इवेंट होगा, अच्छा अनलिमिटेड एमो आ चुका है दोस्तों हमारे पास। एक दिक्कत जा रही है, मैं जंप बटन दबा रहा हूँ, जंप बटन दबाने से मेरा पूरा एम गड़बड़ हो रहा है, तो बिना जंप करे इनकी धुलाई करना पड़ेगी। ओके ओके कहाँ गए बंदे, शॉटगन बहुत चला रहे हैं बंदे, एक शॉटगन शॉट में मार रहे हैं। अगर गेम की स्मूथनेस की बात करूं गाइस तो मुझे पहले से ज्यादा स्मूथ लग रहा है गेम। कहाँ उड़ गया, अरे वो बंदा कहाँ उड़ गया पता ही नहीं पड़ा, कुछ एबिलिटी मिलेगी यहाँ से, योर बॉडी बिकम इनविजिबल, चलो फिर से इनविजिबल होगा, एक को मारा से मारे जा रहा है, ये कौन कहां से मार रहा है, अच्छा तभी मैं कहूं कि मैं इनविजिबल हूं फिर भी मुझे कैसे पड़ रही है। इसकी जो एबिलिटी है ना उससे मैं मरता जा रहा हूं, इस चोपर को फोड़ना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है क्या चोपर वगैरह, ओके ओके चलो दो बंदे मारे, कम्बैक कर सकते हैं हम लोग,
गन चेंज करते हैं। ये शॉटगनर है ना, ये बहुत मार रहा था। क्या बात है, क्या स्प्रे मिला है उसको। एक और बंदा असिस्ट मिला, खैर अच्छा स्प्रे था। ये बहुत फन मोड होने वाला है गाइस, कल की लाइव स्ट्रीम पे हम लोग काफी खेलेंगे इस मोड को। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और गेम इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा है, क्या बताऊं मैं आपको। पहले के मुकाबले काफी स्मूथ है और क्लियरिटी भी है, लो ग्राफिक्स लो रेजोल्यूशन में क्लियरिटी काफी अच्छी है। पहले क्या होता था, लो रेजोल्यूशन पे इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं मिलती थी, बस अभी आप लोगों ने देखा क्लियरिटी भी काफी अच्छी आ चुकी है लो रेजोल्यूशन पे भी। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आपके जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं या फिर iOS डिवाइसेस में डिवाइसेस हैं, उनमें परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। बाय द वे मुझे ये मोड काफ़ी अच्छा लगा, और क्वालिटी वाइज गेम में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं लो रेजोल्यूशन पर खेल रहा हूँ इस वजह से, और लो रेजोल्यूशन पर इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, तो हाई रेजोल्यूशन की तो क्या ही बात करें। और इसी के साथ मैं ग्राफिक सेटिंग भी टेस्टिंग करूंगा कि कौन सी ग्राफिक सेटिंग सीजन 5 रिलोडेड में बेस्ट रहेगी। बट जहां तक iPad Pro M1 की बात है दोस्तों, मैं जो ग्राफिक सेटिंग अभी तक यूज़ करता आ रहा हूं, यही बेस्ट होने वाली है। हो सकता है मीडियम ग्राफिक सेटिंग भी प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो गई हो। बाकी एंड्रॉयड डिवाइस दोस्तों, मैंने एक नया डिवाइस ले लिया है, तो एंड्रॉयड के लिए भी मैं बेस्ट ग्राफिक सेटिंग के लिए जरूर कोशिश करूंगा, एक बढ़िया सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। तो ये था दोस्तों सीजन 5 रिलोडेड अपडेट का 8-bit TDM मोड, इसको कल खेलेंगे। और आप लोग भी अगर अभी तक अपडेट डाउनलोड नहीं किया तो अपडेट डाउनलोड करके देख लो कि आपके पास ये गेम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी नई वीडियो में, कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।